नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने बताया है CSE की जो मोबाइल एप्लीकेशन आई है डिजिटल सेवा पोर्टल की, उसके माध्यम से आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट यानी कि बिजली बिल भुगतान जो है वो आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों आपके कोई भी बिलर्स हो, आप किसी भी स्टेट से हो, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भुगतान जो है CSE पर वहाँ से आप आसानी से बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं। अगर आपको भुगतान करना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिए, और अगर आपको भुगतान करने में कोई भी दिक्कत आती है तो वीडियो में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो, बिजली बिल भरने के लिए आपको सबसे पहले अपनी डिजिटल सेवा पोर्टल की जो एप्लीकेशन है वो ओपन कर लीजिए। डिजिटल सेवा पोर्टल की एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा ताकि आप डायरेक्टली वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसके बाद आप आसानी से वहां से लॉगिन कर सकते हैं अपने CSE ID और अपने पासवर्ड के साथ में। चलिए हम यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी वाला जो ऑप्शन होगा, स्क्रॉल करके वहाँ से आप इसको ओपन कर लीजिए, और इसको आप यहाँ पर जो है बिलर्स पे क्लिक कीजिए। यहाँ देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बिलर्स आ जाएंगे, सारे स्टेट के बिलर्स जो है यहाँ पर अवेलेबल है, जो जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिलर्स होते हैं। मैं यहाँ पर MP स्टेट का हूँ, तो मैं अपना मध्य प्रदेश का पश्चिम विद्युत क्षेत्र जो है मैं अपना सिलेक्ट कर लूँगा। आप जिस भी स्टेट से अपना बिलर्स को चॉइस कर सकते हैं, सभी का प्रोसेस जो होता है वो सेम होता है, और आप इसी प्रोसेस को फॉलो करके अपना बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं। चलिए मैं अपना MP से हूँ तो मैंने MP का विद्युत सिलेक्ट कर चुका हूँ, और यहाँ मैं कस्टमर का IVRS नंबर जो बिल पर होता है वो डालूंगा। तो बिजली बिल के ऊपर जो IVRS नंबर लिखा होता है, उस IVRS नंबर को आप यहाँ पर डाल लीजिए। चलिए यहाँ पर मैं अपना IVRS नंबर जो है एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आप जो है कस्टमर का एंटर कर दीजिए, जिसका भी बिल भुगतान कर रहे हैं, और फैच बिल पर आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद में आपका जो फेच बिल है वो यहाँ पर आपका बिल फेच करेगा, और बिल पर आपका जो नाम होगा, बिलर नेम और बिलर नंबर आपके सामने शो करने लग जाएगा, बिल अमाउंट आपके सामने शो करने लग जाएगा। जो आपका GST वाला कॉर्नर है इसको आप बंद कर दीजिए, नहीं तो आपका 20 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो इस GST वाले पर आप जो है इसको हटा दीजिए, और उसके बाद में अपने वैलेट पिन को एंटर कर दीजिए। वैलेट पिन एंटर करने के बाद में आपके डिजिटल सेवा पोर्टल से आपका पेमेंट जो है वो बिजली बिल का भुगतान हो जाएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर जो है रिसिप्ट निकाल सकते हैं, इसको आप प्रिंट करके अपने कस्टमर को दे सकते हैं, और इसी तरीके से आप CSE से बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।